तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप 3.7 वोल्ट का बैटरी कैसे चार्ज करते हो, मतलब ये जो बैटरी होती है मोबाइल का बैटरी, लैपटॉप का बैटरी, ये आप कैसे चार्ज करते हो। तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो जो चार्जर होते हैं ना, मोबाइल का चार्जर, उसका जो आउटपुट है उससे डायरेक्ट उसके बैटरी को चार्ज करता है। तो मैं बताऊँ तो ऐसे आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे चार्ज करने से बैटरी कुछ दिनों में ही बिनोद बन जाता है, इसलिए ऐसे बिल्कुल मत करें। 3.7 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए एक प्रॉपर सर्किट आता है, आप उससे चार्ज करें, उससे बैटरी का लाइफ टाइम, बैटरी का बैकअप बहुत बढ़ जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस सर्किट से बैटरी चार्ज कीजिए। इसका नाम है बहादुर शाहिनशाह। नहीं फ्रेंड्स, मजाक कर रहा था, इसका असली नाम है TP4056। आप कोई भी वेबसाइट में जाकर इसे सर्च कीजिएगा, TP4056 ये आ जाएगा। तो चलो इसका कुछ जान पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एक माइक्रो USB पोर्ट, जिससे कि आपका बैटरी आपका मोबाइल का चार्जर से चार्ज होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर दो पॉइंट दिया गया हुआ है, आप इसमें 5 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई की मदद से पावर दे सकते हैं। और यहाँ पर है दो LED, एक रेड और एक ब्लू। जब आप बैटरी को चार्जिंग में रखेंगे तो रेड LED ग्लो करेगा, और जब आपका बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ब्लू LED ब्लिंक करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं B+, B- लिखा हुआ है। यहाँ पर कनेक्ट होगा आपका बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके साइड में ही OUT+ और OUT- लिखा हुआ है, इसमें से आप पावर ले सकते हैं। ये आपका बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाएगा, डिस्चार्ज होने से बचाएगा। जब आपका बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है, ये अंदर से ऑटोमेटिक पावर कट कर देता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें से जाकर ये बाय कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हो कि नहीं, मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा, या तो फिर मैं इसे नहीं खरीदना चाहता हूँ, ऐसा एक सर्किट मैं बनाकर मेरा बैटरी चार्ज करूंगा, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आज की वीडियो में वही दिखाऊंगा। ऐसी सिमिलर एक सर्किट बनाकर दिखाऊंगा जिससे आप अपना 3.7 वोल्ट का बैटरी आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ऐसा एक सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए और एक सर्किट, जो कि आपको मिलेगा बैटरी से। मोबाइल के बैटरी के अंदर ठीक इस जगह पर एक सर्किट मिलता है, हमें उस सर्किट को चाहिए। तो ये सर्किट ऐसे लगा हुआ रहता है बैटरी में, हमें बस इस सर्किट को चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसा दो सर्किट है। तो ये एक बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है B+ और B-, यहाँ पर हमारा बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है P+ और P-, यहाँ पर हम एक माइक्रो USB पोर्ट कनेक्ट करेंगे। बी प्लस में मैं एक रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, और B- पे एक ब्लैक। तो हमने इसमें दोनों वायर कनेक्ट कर लिए हैं, और इसके सामने जो P+ और P- है, यहाँ पर हम एक अब माइक्रो USB पोर्ट कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दो माइक्रो USB पोर्ट है, मैं इस वाला पोर्ट को यूज़ करूँगा। इसका ये वाला सिरा प्लस है और ये वाला सिरा माइनस है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ताकि ये प्लस और माइनस उसके साथ मिल जाए। तो हम इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सोल्ड हो गया है। तो चार्जिंग इंडिकेटर के लिए हम यहाँ पर 5mm का LED यूज़ कर रहे हैं, और साथ में एक 1 kΩ का रेजिस्टर। ये सभी चीज़ें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो LED के पॉजिटिव सिरे में हम रेजिस्टर को सोल्ड कर लेते हैं। अब हम LED के नेगेटिव को सर्किट के नेगेटिव में, और इसका जो पॉजिटिव सिरा है जिसमें हम रेजिस्टर कनेक्ट किया है, तो वो सर्किट के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्टेड हो गया है। तो अब हमने 7 सेमी × 4 सेमी का एक कार्डबोर्ड शीट ले लिया है, उस पर ग्लू लगा देते हैं ताकि हमारा जो सर्किट बन चुका है हम वो यहाँ पर फिट कर सके।
तो हम यहाँ पर और ग्लू डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा और मजबूत रहे। तो हम एलईडी को थोड़ा बेंड कर लेते हैं ताकि हम कार्डबोर्ड के छेद से इसे निकाल पाए। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा छेद करना होगा। तो हमारा काम अब हो चुका है और मैं थोड़ा इसमें डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा डिज़ाइन कर लिया है और इसके साइड में फेविकॉल की मदद से थोड़ा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दिया है ताकि इसका अच्छा फिनिशिंग आ सके। तो अब करते हैं इसका टेस्टिंग। ये एक नॉर्मल मोबाइल चार्जर है और इसे मैं एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसका पोर्ट हम जो चार्जर बनाया है इसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड एलईडी ऑन हो गया है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो इसका आउटपुट है 5.19 के आसपास। अब इससे एक बैटरी चार्ज करके हम देखेंगे कि बैटरी चार्ज होता है या नहीं। पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो बैटरी का वोल्टेज है 3.78। तो अब इसे चार्जिंग पर रखते हैं। माइनस को माइनस में लगाते हैं और प्लस वाले को प्लस वाले में करके हम पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि समय बच जाए। तो पूरा एक मिनट चार्ज करने के बाद हमारा बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 3.86। मतलब हमारा बैटरी चार्ज थोड़ा हुआ है। तो ये एकदम ठीक से काम कर रहा है। आप भी चाहे तो ऐसे ही आप इसे बना सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब ताकि ऐसी मस्त टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए गुड बाय।